नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव, उससे पहले विधानसभा को लेकर जो अलग अलग चैनलों द्वारा सर्वे किया गया था और जो हकीकत में रिजल्ट आया है, इसके बीच में जो फासले हैं, जो गैप है, ऐसा क्यों हुआ, इस पर डिस्कशन को लेकर। जी हाँ, और इस डिस्कशन में एक बार फिर से हमारे साथ हैं आरसी चौधरी साहब, जिनका आपको जब कभी भी सर्वे देखने को मिला या विश्लेषण सुनने को मिला, वो लगभग सटीक बैठा है। कोई भी आंकड़ा देने से पहले उसमें हम लोग 4+ और 4-माइनस कहते हैं, और ये स्वाभाविक भी है कि कोई भी आंकड़ा 4+ 4-माइनस अगर है तो वो लगभग 100% माना जाता है। पीछे हम लोगों ने एक सर्वे किया था हरियाणा विधानसभा को लेकर, और उसमें हमने कहा भी था कि बीजेपी को 38 से 44 सीटें मिलेगी, कांग्रेस को हमने हालांकि बताया था कि 40 से 44-45 सीटें मिल सकती है, लेकिन दोनों का जो आंकड़ा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है। परंतु और जितने भी टीवी चैनल वालों ने सर्वे में दिखाया 55-60, उन सब से हमारा फिर भी बेटर है और सबसे ज़्यादा करीब है, नेक टू नेक है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपका जो सर्वे था वो लगभग सटीक रहा, हालांकि थोड़ा बहुत 19-20 है अंतर है, परंतु फिर भी वो सटीक का सटीक बैठा है। जबकि हम लोगों ने जो सर्वे किया था वो वोटिंग से करीब 8-10 दिन पहले किया था, और बहुत सारे लोगों ने वोटिंग के बाद किया, उसके बावजूद भी वो सर्वे सटीक नहीं बैठा है। ये जो आप अपना पॉइंट रखते हैं और जो आकलन करते हैं, इसके पीछे का जो वजह होता है, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए, ताकि दर्शक भी समझ पाए कि हम लोग जब बैठते हैं और लोग जब बैठते हैं उनमें अंतर क्या होता है। मैं तो ये कहता हूं अपने दर्शकों से कि हम लोग पहले ग्राउंड लेवल पर जाके पता करते हैं, घूमते हैं, अपने जान पहचान वाले लोगों से मिलते हैं, गरीबों से भी मिलते हैं, अमीरों से भी मिलते हैं, बस वाले से भी मिलते हैं, बस पे चलने वालों से भी और कार में चलने वालों से भी मिलते हैं। परंतु जो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले होते हैं वो एसी कमरे में बैठ के अपना सर्वे कर जाते हैं। नीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको पता ही है कि मैं 40 साल से मैं यहाँ जो संस्थाएँ वगैरह हैं, सामाजिक संस्थाएं, उससे मैं जुड़ा हूं, बिजनेस मैं कम करता हूं, और ज़्यादातर मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहने के कारण उनकी व्यू हम लेते रहते हैं। बिल्कुल, और सामाजिक संस्था में ज़्यादातर जो है वो निम्न वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं, हालांकि उसमें पैसे वाले भी होते हैं, लेकिन पैसे वाले लोगों का काम अलग होता है और कर्मचारी और जो वर्कर हैं उनका काम अलग होता है। सामाजिक संस्थाओं से क्या होता है कि समाज में क्या उथल पुथल चल रहा है, इसकी जानकारी हमें समाज से मिलती है और उस बेसिस पे हम विश्लेषण करते हैं। हवा हवाई नहीं, एसी में बैठ करके नहीं। जैसा कि आपने पहले ही देखा, लोकसभा का इलेक्शन था जी, करीब करीब मैं काफ़ी स्टेट में घुमा था उस समय जी जी जी, चाहे वो आसाम से शुरू करें, बंगाल से शुरू करें, मध्य प्रदेश भी और श्रीनगर भी, और इस एरिया में पूरा राजस्थान भी गया था, गुजरात भी गया। तो वहाँ का क्या माहौल है, लोगों का क्या रुझान है, लोग क्या सोचते हैं, कहीं भी हम जाते हैं आम लोगों से वैसे बैठ गए, वहाँ उन लोगों से बातें करी तो बहुत कुछ जानकारी मिलती है। ये नहीं कि सेलेक्टेड पर्सन में गए, सेलेक्टेड लोगों से बातें करी और हमने अनुमान लगा लिया कि ऐसा होगा, ज्योतिष के तरह। हाँ, वो हम नहीं करते हैं। इसी बेस पे मैं आपको कहा था कि फरीदाबाद में कम से कम 6 सीट बीजेपी तो लगी, हो सकता है 7 भी, 7 भी आ सकते। और ये भी मैं कहा था कि जैसे कहीं कहीं किसी किसी सीट पे अभी कांग्रेस वालों का ज़्यादा इसमें है, रुतबा दिख रहा है उनका, ज़्यादा बरबचू दिख रहा है, वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं कहा था कि जब फायर ब्रांड योगी जी आएंगे जब अपने प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो समीकरण चेंज भी हो सकता है, और आपने देखा वो समीकरण चेंज होते हुए कि जहां से भटकल क्षेत्र से मैं आपको कहा था कि 45 और 55% का है अंतर, कांग्रेस 55% पे जा रहे हैं
और धनेश अदलखा जी जो बीजेपी के हैं वो 45% पे हैं, लेकिन ये समीकरण चार दिन के बाद जो आने वाले फायर ब्रांड योगी जी, कुछ एकदम पलट जाएगा और आपने देखा ही वही हुआ। दूसरी बातें हमने आपको कही थी कि कांग्रेस का टिकट कौन सेलेक्ट करता है, यहाँ पे तिगांव की बात करें तो तिगांव में यहाँ पे जो ललित नागर जी हैं उनकी जो लोगों पे पकड़ इतनी अच्छी है वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस एरिया में भी रहता हूँ। दूसरी तरफ मैं कहा था कि सरदार राठौर जी आम महिलाओं में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है, बिल्कुल बिल्कुल, और उनको टिकट नहीं दिया गया है तो ये बड़े आघात होगा कांग्रेस के लिए, लेकिन जो डिसीजन हुआ वो तो कांग्रेस का था, बिल्कुल, और विश्लेषण मेरा था, तो विश्लेषण जो मेरा था उसमें जो भी हुआ बिल्कुल वो विश्लेषण बिल्कुल लगभग सटीक हुआ है। फरीदाबाद में ऐसा ही हुआ, फरीदाबाद में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से 3 जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है, 2 तो स्वाभाविक है नूह और पुनहना, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र है वहां से बीजेपी उम्मीद करे, मुझे लगता है 10-15 साल तक तो ना ही उम्मीद करे। पीछे भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि उस एरिया का आप भूल ही जाएं वो तो बहुल्य क्षेत्र जो भी है वो धर्मावली वो तो देंगे ही, केवल वो कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को तो देते ही नहीं, बनता ही नहीं है। और एक सीट जो पिरथला था वहाँ जिस पर जैसा कि हमने पहले कहा था, हालांकि लग नहीं रहा था क्योंकि जो वहाँ के वर्तमान विधायक निर्दलीय रावत साहब का टिकट काटा गया था तो उस कारण शायद वहाँ से कांग्रेस की जीत हो गई है और पिरथला से कांग्रेस जीत गई। नूह पुनहना वो स्वाभाविक तौर से उनका ही था, बाकी सभी 6 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। सबसे ज़्यादा वोट फरीदाबाद से जो 89 विधानसभा सीट है वहाँ से विपुल गोयल को लगभग 48,000 आप 50 हाफ सेंचुरी कह सकते हैं से विपुल गोयल की जीत हुई है। उम्मीद इतने जीत की नहीं थी, जीत की तो उम्मीद थी लेकिन इतना हाफ सेंचुरी की शायद किसी को नहीं लगा था कि 48,000 से जीत जाएंगे। इसके लिए हमने एक वजह बताई थी, बीजेपी में जो बागी विधायक बागी लोग थे वो कम थे और कांग्रेस में बागी दर्जनों के हिसाब से थे जो मैं उस समय कहा था। तो उस समय जो मैं कहा था कि समीकरण एकदम उल्टा ना हो जाए, कांग्रेस जीते जीते हार ना जाए, ये मैं बात उस समय भी कहा था और वही हुआ। एक्चुअल में वही हुआ। अगर हम NIT फरीदाबाद NIT की बात करें तो वहाँ पे जो नीरज शर्मा वर्तमान MLA थे और उनके पिताजी भी और उनके भाई मतलब खानदानी पॉलिटिशियन माने जाते हैं और जिस प्रकार से वो फाइट दे रहे थे, लड़ाई में थे और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस एक हम लोगों के गांव में एक कहावत है कि आत्मसम्मान और घमंड में ज़्यादा अंतर नहीं होता, वही आत्मसम्मान के चक्कर में वो घमंडी जो रुख है वो उनके अंदर जब आ गया तो वो जो घमंड वाला रुख जैसे ही आ गया वहीं से उनका पतन होना शुरू हो गया। नीरज जी आपको मैं बताऊं, अब घमंड में लोग क्या करता है या कुछ इस तरह के मन में जो विचार उग्र टाइप का आता है तो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप इतने वोट लाओ और ये नौकरी लेके जाओ, सरकारी नौकरी ले जाओ हम पर्ची। अब ये कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक एकदम इस बात पर नाराज हुई और उनके वोट वो वीडियो वायरल इस बात पे भी खिसक गई, वो वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ काफी वायरल हुआ था, 3-4 वीडियो जो किसी ने कहा कि हम तो पर्ची देंगे और नौकरी देंगे। हाँ बिल्कुल, पर्ची लो और नौकरी ले जाओ। अब पर्ची का मतलब खर्ची दे जाओ, पर्ची ले जाओ और नौकरी मिलेगी। किसी ने कहा कि भाई पहले तो हम खुद खाएंगे, उसके बाद हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको खिलाएंगे हमारे जहाँ, तो ये सब बहुत सारी समीकरण जो बातें हैं वो करवट बदल जाती है सब कुछ इलेक्शन का। बिल्कुल, और सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब समझती है, तुरंत भाव को पकड़ लेती है। पहले लोगों को समझाना मुश्किल होता था लेकिन अब एक वीडियो को कई तरह से बना के भेजा जाता है और जनता समझ जाती है कि अगर अभी से ये हाल है, अगर ये लोग जीत गए तो आम लोग जो टैलेंटेड लोग हैं जो पढ़ लिख के आते हैं वो एग्ज़ाम दे के नौकरी लेते हैं उनको दबा के और पर्ची पे
इनके रिश्तेदारों को नौकरी अगर मिल जाएगा तो आम लोगों का क्या होगा। और ये भी एक वजह रहा नीरज शर्मा के हारने का, घमंड और आत्मसम्मान में वो अंतर नहीं कर पाए। आत्मसम्मान को अगर रखते जिस प्रकार पहले थे, आत्मसम्मान को अगर बना के रखते तो शायद वो इस बुरे स्थिति में नहीं आते। जितना अंतर से उनकी हार हुई है, लगभग 37,000 वोट से जो वो हारे हैं, ये दिखाता है कि नीरज शर्मा ने बहुत बड़ी गलती की थी। बिल्कुल, जो नीरज शर्मा की गलती के का खामियाजा उनको मिल गया। हालांकि तिगांव में आपके राजेश नागर जी अच्छा खासा वोट से वो भी जीते हैं, करीब 35-37,000 से वो भी वोट जीते हैं। उसमें नीरज जी हमने एक बात और कही थी, आपने ध्यान दिया होगा बिल्कुल, कि तीन तिगारा काम बिगारा, जहां जहां इनके कांग्रेस के दो दो सशक्त उम्मीदवार खड़े हो गए तो सीधी सी बात है दोनों जगह वोट बढ़ जाने हैं और बीच में बीजेपी वाले आराम से ले जाने हैं। ये तो मैं उस समय भी कहा था और वही हुआ। चाहे मूलचंद शर्मा जी का देखें, राजेश नागर जी का देखें, तो ये सब प्रत्यक्ष है। और जिस प्रकार से फायर ब्रांड नेता बीजेपी के अनिल विज गृह मंत्री रह चुके थे, उनके कंटेस्ट में जिस प्रकार से एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कांग्रेस से निकल कर आई हुई थी महिला, उन्होंने जो फाइट दिया, लास्ट तक वो लड़ती रही और कभी ये आगे होते थे कभी वो आगे होते थे। अगर काश बीजेपी कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया होता तो आज अनिल विज शायद बाहर हो जाते, आज विधायक वो नहीं चुने नहीं, जाते नहीं, और बाहर ही रह जाते बिल्कुल। और आज जिस प्रकार से वो कहते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और बीच बीच में सगुफा छोड़ते रहते हैं, तो बीजेपी को इससे छुटकारा मिल जाता। नीरज जी एक बात देखें जी, अगर हम वोट परसेंटेज देखें तो खास करके बीजेपी का और कांग्रेस का बिल्कुल ज्यादा कोई फर्क नहीं है, नहीं के बराबर कहें, बराबर ही है। और अगर वहीं पे सीट विद्रोही जो इनके रहे या जिनको इन्होंने टिकट नहीं दिया, सशक्त उम्मीदवार, उन्होंने जो वोट लिया है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस कहीं बीजेपी से आगे दिख रही है। और जो बिल्कुल जो आपने कहा था और सभी आज कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 5-7-10 जो भी मांग रही थी अगर दे दिया होता तो आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती। विजय उनके हाथ में था, विजय उनके, लेकिन विजय उनके हाथ से कैसे फिसला। मैं कहा ही कि आप 90 के 90 सीट पे अगर किसी को कंपटीटर अपना बना लो उसके बजाय आप अगर 5-7 सीट अगर दे देते हो और बाकी सीट आप उसे सुरक्षित कर लेते हो तो हमारी तो सोच ये है। बाकी राजनीति करने वाले किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से टिकट बांटते हैं ये उनका काम है, वो जाने। ये जो है कांग्रेस के अंदर अति घमंड जिसको कहते हैं वो ले डूबा। और जिस प्रकार से बीजेपी अंतिम समय तक लड़ती है, मतलब कभी भी मायूस नहीं हुई। और परसों जब नैब सिंह सैनी का एक स्टेटमेंट आया था तो परसों भी वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि पूरे विश्वास के साथ, और वो विश्वास दिखाता था कि नैब सिंह सैनी में जो ये विश्वास है इसका वजह कुछ ना कुछ जरूर है, और वो ही हुआ। जबकि दूसरे तरफ कांग्रेस की बात देखें, जैसे ही एग्जिट पोल आया वैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पिकनिक मनाने विदेश चले गए। अब आप देखें हवा हवाई बातें इस बार बीजेपी ने कहीं भी नहीं की, क्योंकि उनको भी शक था कि जरा भी इधर उधर हुआ तो एकदम माहौल चेंज हो जाएगा। इसलिए रूट से ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया। दूसरे तरफ अत्यधिक आत्मविश्वास के वजह से हुआ क्या, आप देखें कि इतनी बड़ी समूह आपके सामने बैठे हों और आप एक जिलेबी की बात छेड़ दें, जिलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात करें, उसको एक्सपोर्ट करने की बात करें, पब्लिक आपसे आज के दिन में उम्मीद करती है कि आप पब्लिक के लिए क्या काम करोगे उस पे आप फोकस करो। लालू यादव वाला स्टेटमेंट नहीं चलने वाला। हाँ, अब आज के दिन में लालू प्रसाद का जो फार्मूला है वो नहीं चलना, वो अगर चाहे राहुल गांधी अपनाएं या चाहे सैनी साहब हरियाणा में अपनाएं या किसी भी स्टेट में, तो वो जमाना बदल चुका है। उस जमाने से हट करके आप लोग सोचें, और ये नेताओं को सोचना पड़ेगा, नहीं तो हरियाणा जीती हुई बीजेपी सॉरी कांग्रेस जीती हुई और उनका ये उनके शिकार छीन करके ले गई बीजेपी।
बिल्कुल, कांग्रेस के मुंह में से एक तरीके से निवाला जो है वो निकाल के और बीजेपी ने अपने पाले में ले आया। ये रिजल्ट जो है बहुत ही चौंकाने वाला था। 12 बजे तक भी लोगों को लग रहा था कि शायद कांग्रेस की ही सरकार बनेगी या फिर फाइट एम फाइट हो सकता है, जो अन्य दो चार निर्दलीय और एक जो ये हैं उनके सपोर्ट से सरकार बन सकती है, लेकिन मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को अपना समर्थन दिया और बीजेपी को 48 सीटें देकर एक इतिहास कायम कराया है। न केवल लगातार 3 बार बीजेपी सरकार में आई बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सत्ता में आने वाली है। इस बीच मुख्यमंत्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हालांकि स्पष्ट तौर पे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है तो उन्हीं को बनना चाहिए, परंतु कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद बदल सकता है। आप क्या मानते हैं? ऐसा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल विजय उत्सव के ऊपर में जो बीजेपी के जो कार्यालय दिल्ली में है, हेडक्वार्टर आप कहें, उस पे उन्होंने वहाँ से जो देश को मैसेज दिया है ये अपने आप में सैनी साहब के लिए बहुत शुभ संकेत है कि सैनी साहब पुनः वो सीएम बनने जा रहे हैं। जितना विश्वास और किसी को नहीं था उससे कहीं ज़्यादा विश्वास से भरे हुए थे हमारे सैनी साहब। नतीजा आप लोगों ने देखा ही है और प्रधानमंत्री जिस तरह से उनके पीठ थपथपाया है कल, तो वो दिखता है कि सैनी साहब ही पुनः यहाँ के सीएम बने। चलिए, एक ये स्पष्ट हो गया कि सैनी साहब ही सीएम बने रहेंगे। आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल अगले इलेक्शन तक क्या होता है वो वक्त बताएगा। एक और लास्ट सवाल आपसे है, फरीदाबाद से आप मंत्री के तौर पर कितने विधायक देखना चाहते हैं और किन किन लोगों को देखना चाहते हैं? देखें, पीछे विपुल गोयल जी 2014 में जब वो आए थे MLA बन के, विधायक बन करके, और उनको बकायदा पोर्टफोलियो मिला था, आपने देखा ही कि वो यहाँ के उद्योग मंत्री बने। जी जी। दूसरी तरफ एक और हम कैंडिडेट की बात करें जो हमारे पंडित मूलचंद शर्मा जी हैं, पिछले दिनों उन्होंने जो मंत्रिमंडल संभाला आपने देखा ही, तो ये दोनों, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये दोनों मंत्रिमंडल में जाएंगे और एक कोई ना कोई, जैसे 2 उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, 2 डिप्टी सीएम की बातें पे इस बार गहन अध्ययन किया जा रहा है, तो एक डिप्टी सीएम हो सकता है इन दोनों में से कोई बने, जिसमें सबसे ऊपर हम देखते हैं तो विपुल गोयल जी को, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं पंडित मूलचंद शर्मा जी। बिल्कुल, तो ये है कि फरीदाबाद से 2 मंत्री बन सकते हैं, जिस प्रकार पहले विपुल गोयल मंत्री रह चुके हैं और मूलचंद शर्मा जी भी मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में ये दोनों का नाम सबसे ज़्यादा चल रहा है। हालांकि तिगांव से राजेश नागर हैं, उन्होंने भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है और काफ़ी मतों से वो जीत के आए हैं, तो उनका भी नाम शायद मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है, क्योंकि गुर्जर बिरादरी से हैं ये। फरीदाबाद में एक गुर्जर को शायद मंत्री का पद मिले, ये भी लोगों की कामना है, लोग भी चाहते हैं। होता क्या है ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा और जैसे ही क्लियर होगा हम आप दर्शकों के बीच एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।